देयर वाज अ फेज इन माय रिलेशनशिप जब मैं एकदम खोई खोई रहती थी, सब कुछ भूल जाती थी अंडर द मैजिक स्पेल ऑफ मिस्टर स्वीट. आई वाज मिस फॉरगेटफुल बट आई डिडंट माइंड बिकॉज आई वाज ऑलवेज स्माइलिंग एंड सो मच इन लव. Why don't you come round and cook with me? I think that I have found a recipe. It's hot, delicious. Don't worry because I've got all me, all the ingredients that we will need for love. Being lost in love is not a bad thing. अगर आप अपने बारे में और किसी और के बारे में सोच रहे हैं और खोए खोए रहते हैं, it's just like rediscovering yourself. ये नए experiences आपको एक नए mood में cast कर रहे हैं. और मेरा मानना है, अगर आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं and you're not lost, that means you're not in love. लव की इस खोई खोई फेज के लिए मैं बना रही हूँ खोया लेड बर्फी. इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए है केसर. इसको हम थोड़े से पानी के अंदर भिगो के रखेंगे ताकि ये अपना कलर छोड़ दे. अब इस लेड बर्फी की जो पहली लेयर है वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और वो है गुलाब की. तो मैं इस गुलाब के पत्तों की फर्स्ट लेयर अपने टिन में लगा लेती हूँ. रोजेज एक एडिबल फ्लावर है और ये कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी है, तो ये आपकी ट्रीट को, आपकी डेट को और ज़्यादा रोमांटिक कर देगा. वैसे मार्केट में ड्राइड रोज भी मिलते हैं, लेकिन फ्रेश रोज इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इट स्पीक्स वॉल्यूम्स. ये रही हमारी फर्स्ट लेयर हमारी लेयर बर्फी की. अब हम इसकी सेकंड लेयर तैयार करते हैं, वो है डेसिकेटेड कोकोनट के साथ. अब मैं डेसिकेटेड कोकोनट लूंगी. और साथ ही इसके अंदर जाएगा खोया, बिल्कुल थोड़ा सा. अब हम इसको भूनेंगे और साथ ही में मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा घी. जस्ट अ स्पून विल बी इनफ. हम इसे फ्लेवर करेंगे कार्डमम पाउडर से. अब हम इसके अंदर मिल्क मेड डालते हैं. मिल्क मेड स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क गिव्स अ रिच कैरमलाइज्ड फ्लेवर टू एनी डिश इट्स एडेड टू. अब इसके अंदर हम कोकोनट मिल्क डालेंगे. कोकोनट मिल्क डालने से एक बहुत ही मीठा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर और बहुत बढ़िया खुशबू आती है. एक फील गुड फैक्टर है. हमारी सेकंड लेयर तैयार हो गई है. अब मैं इसको हमारी ट्रे में डालूंगी. इसको हम बहुत ही आराम से इन रोज पेटल्स के ऊपर डालेंगे.
आप स्पैचुला से इवनली फैला दीजिए। मैंने इस लेयर को एकदम इवनली फैला दिया है। अब हम खोया से बनाते हैं अपनी फाइनल लेयर। पैन के अंदर खोया डालिए। और इसको हम भूनेंगे 2 मिनट के लिए, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। जनरली जो फ्रेश खोया होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी फ्रिज में रख देंगे तो ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, लेकिन वंस वी हीट इट इट बिकम्स सॉफ्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क मेड। इसे हमें थोड़ी देर तक भूनना है, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। साथ ही में इसके अंदर हम डालेंगे कार्डमम पाउडर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे केसर, जिसको हमने पहले से पानी डाल के रखा हुआ है। केसर से एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर भी मिल जाता है डिश को। इसको हम थोड़ा सा सुखाएंगे। अब हमारी फाइनल लेयर भी तैयार हो गई है। इसको भी हम लेवल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। वंस इट कम्स टू रूम टेम्परेचर, देन आई विल पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर। खोया लेड बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले केसर को पानी में सोक कर लीजिए। फिर एक एल्युमिनियम टिन में रोज पेटल्स का एक लेयर बना लीजिए। उसके बाद एक पैन में पिसे हुए कोकोनट को डाल दीजिए। इसमें ऐड कीजिए थोड़ा खोया, घी, कार्डमम पाउडर, मिल्क मेड और फिर उसे स्टर करते रहिए। स्टर करते करते अब इसमें ऐड कीजिए कोकोनट मिल्क। मिक्सचर तैयार हो जाने के बाद इसे रोज पेटल्स के ऊपर लेयर कर दीजिए। फाइनल लेयर बनाने के लिए खोया को एक गर्म पैन में भून लीजिए और उसमें ऐड कीजिए थोड़ा मिल्क मेड और इसे तब तक मिक्स करते रहिए जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। साथ ही में डालिए कार्डमम पाउडर और सोक किया हुआ केसर। मिक्सचर ड्राई हो जाने के बाद इसे टॉप कर दीजिए एज अ फाइनल लेयर। हमारी लेड बर्फी तैयार हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड करना है। है ना कितनी अट्रैक्टिव। अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे। एकदम रोमांटिक ट्रीट आपकी डेट के लिए। इसमें आप तीनों लेयर देख सकते हैं, रेड रोजेस की, व्हाइट डेसिकेटेड कोकोनट की और केसर की येलो लेयर। अब हम इसे प्लेट करते हैं। और ये है आपके खोए हुए लव में खोए की बर्फी। खोया खोया शायद वो भी होगा, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू गेट फ्लाइंग हाई इन लव।
इट्स अ मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स एंड कोइंसिडेंस ऑफ फॉलिंग इन लव।